ठीक है, क्या समझाया अभी? लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म। लीवरेज का मतलब होगा कि फर्म की कितनी कैपेसिटी है कि वो बोरोइंग कर सके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर सके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है। वैल्यू ऑफ द फर्म, इसमें दो अप्रोच हैं। रिलीवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, इसमें ये कहा गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू में चेंजेस आएंगे। इसके अंदर दो लोगों ने दिया, एनआई अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। कुछ लोगों ने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होगा, बल्कि अर्निंग पे डिपेंड होगा। उन्हें रखा गया एनओआई एंड एमएम मॉडल, राइट। ये थ्योरी देने से पहले कुछ एजम्पशन मानी गई हैं, इन एजम्पशन पे बेस पे थ्योरी दी गई। पहला है कि देयर आर ओनली टू सोर्स ऑफ फंड, इक्विटी एंड डेट। कहता है कि हमारे पास फंड दो ही होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट्स, यानी प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा। दूसरा बोला गया कि टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवेन एंड देयर वुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म। यानी एसेट जो है क्वेश्चन में दी हुई होगी, यानी एसेट्स आपकी बिजनेस की सेम होगी, और इन्वेस्टमेंट करने से वुड बी नो चेंज इफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी आपकी टोटल एसेट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तीसरा है, फर्म हैज पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन इंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स। फर्म के पास एक पॉलिसी है कि सारा का सारा प्रॉफिट किसको दे देंगे, वो शेयर होल्डर्स को बांट देंगे अपने पास, यानी नो रिटेन अर्निंग, एक तरह से ये कह सकते हो अर्निंग अपने पास नहीं रखेगी। चौथा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर गिवेन एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया होगा और वो ग्रो नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी आपकी ईबीआईटी क्या रहेगी, गिवेन दी होगी। अगला है, बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म इज गिवेन एंड कॉन्स्टेंट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग मिक्स। बिजनेस रिस्क आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। दूसरे शब्द बिजनेस रिस्क वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसको करने जिस जो हम चेंज कर सकते हैं, यानी उस रिस्क को हम घटा सकते हैं, ठीक है। अगला है, देयर इज नो कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स। समझ में आ गया? इसके अंदर सबसे पहला कौन सा दिया गया है, नेट इनकम अप्रोच। कौन सा है? नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच कहते हैं। ये हमने लिखा ऊपर, कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से फर्म की वैल्यू में चेंजेस आएंगे। इसको देने वाले कौन थे? दिस थ्योरी इज गिवन बाय डोरन डेविड। डोरन डेविड ने दिया था। ए सिंपल अप्रोच है, इट स्टेट दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ये बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फर्म की वैल्यू में रिलेशनशिप है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करोगे तो फर्म की वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। अगला है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रिलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड होती फर्म की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन डेट प्रपोर्शन या कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई बात कह रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से हमारे फर्म की वैल्यू में चेंजेस आएगा। ए चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर कॉज एन ओवरऑल चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आल्सो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंज होती है और ओवरऑल चेंज हो जाता है हमारा कैपिटल, और फर्म की वैल्यू भी चेंजेस आते हैं। यहाँ बोला है एक लाइन, हायर डेट कंटेंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स हाई फाइनेंशियल लीवरेज। यदि हमारे पास फर्म के पास हाई डेट है, यानी ज़्यादा लोन ले रखी है, तो उसके पास फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा, यानी इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एट दिस रिजल्ट इन डिक्लाइन, इसके अपोजिट में क्या है, और इसके बाद क्या है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी घटेगी। एनआई अप्रोच की जो है कुछ और एजम्पशन दी गई हैं जो ऊपर बोली गई, उसके अलावा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म आर गिवेन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। के टी एंड के ई कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी डिबेंचर्स की या
डिबेंचर की एक्सपेक्टेशन और इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन सेम रहेगी, समझ में आ गया। और केटी और के दो, केटी इज लेस देन के, यानी केटी की जो एक्सपेक्टेशन है कम होगी किसके मुकाबले, इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन। इसका फॉर्मूला है वैल्यू निकालने का, वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईबीटी, जब पैट नहीं निकलता ईबीटी लेता अपन के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डब्ल्यूसीसी निकालने का फॉर्मूला ये है, देखिए इस चार्ट में बोला गया है पहले एजम्पशन क्या थी, के टी और के ई दोनों कांस्टेंट रहेंगे, देखिए दोनों कांस्टेंट है, के टी भी कांस्टेंट है और के ई भी कांस्टेंट। और दूसरा बोला है के डी इज लेस देन के ई, के डी देखो नीचे है और के ई ऊपर, के डी लेस देन के ई। और जैसे जैसे आप डेट प्रपोर्शन बढ़ाओगे लीवरेज बढ़ाओगे तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी घटेगी, जैसे बोला था। We'll be right back.